एक पासे तां सरकारां कह रहियां ने कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूजे पासे लोग धियां नूं कुखां विच मार रहे ने ते कोई कूड़े दे ढेर ते कोई कूड़ा डंप विच सुट रहा। इसे तरह का मामला बठिंडा दे धोबियाणा बस्ती च वेखण नूं मिलिया जद सिखर दुपहर तपदी गर्मी दे विच इक लावारस नवजनमी बच्ची दियां रोण दियां आवाज़ां सुनाई दित्तियां। तलंग रहे व्यक्ति ने स्थानक लोकां अते सहारा क्लब दे वर्करां दी मदद नाल उस बच्ची नूं बठिंडा दे सिविल हस्पताल विच पहुँचाया। जिक्र योग है कि लवारस सुती इस बच्ची दे नेड़े आवारा कुत्ते भी घूम रहे सन, पर इस दे बेदर्द मापे इस नूं इसे तरह लवारस छड के चले गए। मेरा नाम बीरबल दास गोयल है जी, मैं परसराम नगर का जी, 4 नंबर गली का जी। बच्ची का जी मैं धोबियाणा बस्ती च कम गया सीगा जी कोई आपदे, ते मैनू उत्थे किसे दे बार च गली नंबर 4 च कहंदे आ जी, ओह लोक भी ये 4 नंबर गली बजदी है जी, उत्थे किसे दे बार च पई सी जो मैं रोंदे दी आवाज़ आई जी बच्ची दी, तां मैं देखिया मैं रौला पाता जी, रौला पाता महला कट्ठा हो गया जी। कट्ठा होण तो बाद मतलब असी उत्थे कोई अपने वो कैंट रोड बजदा जी, उत्थे डाक्टर सीगा उहदे कोल लै के गए जी पहला असी। उन्होंने बच्ची नूं देख के माड़ा मोटा साफ करके बच्ची फड़ा के उदू बाद मैं इत्थे लियाया जी। मैं उस तो पहला सहारा वालिया नूं फोन किया सीगा जी, सहारा वालिया नूं आउंदिया नूं बेचारिया नूं टाइम लगता जी, इस करके मैं आपदी मोपट ते ते इक मेरे नाल ओह घर वाले सीगे जिन्हां दा घर है अगे उत्थे, उन्हां नाल स्कूटरी ते आ गए जी असी इत्थे लै के। सर वो तो डॉक्टर साहब नूं पता है, जदों असी आए सीगे उदों बच्ची सही सीगी रोंदी सीगी, ते उदू बाद तां हुण डॉक्टरां नूं पता है जी। ना कपड़ा कोई नहीं सीगा जी। सर वो तो घंटियां दी लगदी है मैनूं तां। सर मेरा नाम संदीप गिल आ, मैं सहार जन सेवा दा वर्कर हाँ। सानूं अज फोन आया सी कि बठिंडा धोबियाणा रोड गली नंबर 4 च इक लवारिस बच्ची पई आ, जो कि साडी सहार जन सेवा दी 2 टीमां मौके ते पहुंचियां। बच्ची 1 दिन दी जापदी है, उहदे ਉੱਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਤ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ICU ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਤਰੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੁਰਖਾਬ TV।